हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर पार्ट 14 की वीडियो पढ़ी, जिसमें मैंने पहला ये था। देखिए, पार्ट 14 में जो सबसे पहली चीज़ थी वो मशीन मशीन कंपोनेंट बनाने का पहला पार्ट था। कौन सा? पार्ट 14। अब हम बात करेंगे इसमें पार्ट 15 में, जिसमें हम देखिए यहाँ पर मैंने दो ड्राइंग डिस्कस की थी। अब यहाँ पर मैं आगे दो ड्राइंग यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल की ड्राइंग डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर से हम चलते हैं जल्दी से और स्क्रीन पर सीखते हैं। ये जो आप साइड में ड्राइंग देख रहे हैं, आपको दिखने में बहुत ज्यादा ये ड्राइंग हो सकता है टफ लग रही हो, क्योंकि अभी देखिए आप नई नई चीजें सीख रहे हैं तो अभी चीजें टफ लगेंगी। बट वो ड्राइंग जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी सिंपल ड्राइंग है। देखिए बनाने का अप्रोच क्या है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जितना हो सके हमें अपने डायग्राम में सबसे पहले कैलकुलेशन करनी कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि यार हम कहाँ पर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जरूरी है कि हम डायग्राम को पूरा बनाएं, हम कहीं ना कहीं मिरर का यूज करके, कहीं ना कहीं एरे का यूज करके, कहीं ना कहीं फिलेट का यूज करके, या मैं इट मीन्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम कमांड को यूज करके हम इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएं कि बहुत ईजी हो जाए। तो चलिए, जो साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, तो अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, हम इसमें पूरी डायग्राम में मेहनत नहीं करने वाले। सिंपल से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आधा फिगर यहाँ पर बना लेंगे तो हम जो है आधे फिगर को अपने आप ही बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या चीज बता रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिगर को बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, यानी लेफ्ट क्लिक करता हूँ। और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर आपको सारी चीजें बताएगा जो जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। आपको 90 डायमीटर दिख रहा है। अभी जो 90 डायमीटर है, तो डायमीटर हमें 90 दिया, बट हमें हमेशा अपनी जो भी बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ऑटोकैड यहाँ पर रेडियस में लेता है चीजें। आप सिंपल से 90 का आधा कर लीजिए, 90 का आधा 45, क्योंकि रेडियस जो है डबल होती है हमेशा डायमीटर की। तो 45 अपने कीबोर्ड पे टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे 45 का बहुत छोटा सा बना है। क्यों बना है? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर स्क्रीन है, ऑटोकैड की स्क्रीन है, उसका थोड़ा सा साइज बड़ा है और डायग्राम का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है सर्कल का। उसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए जूम कर लेते हैं हम, ठीक है ना। हमने जूम करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, ये आपके पास माउस है तो उससे भी कर सकते हैं, और माउस नहीं है तो जैसे लैपटॉप में आप ये चीजें कर रहे हैं तो सिंपल से आप अपने उसमें जो भी आपका यहाँ पर माउस रहता है, लैपटॉप का माउस मेनली, उसमें आप चीजें कर सकते हैं। चलिए इतना तो हो गया, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा बीच में ला लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमने पेन का पेन को लिया, टूल को, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको इधर साइड में कर लिया। अब ये हमारा बराबर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा जो है वो बन गया है। चलिए ठीक है, देखेंगे फिर हम फिक्स कर लेंगे अपने फिगर के हिसाब से, यानी अपनी स्क्रीन के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। अब और सर्कल लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि सेंटर पे टैप करते हैं, लेफ्ट क्लिक, और इसको हम यहाँ पर आप देख रहे हैं 26 का हमें डायमीटर दिया, तो सिंपल से हम क्या कर लेते हैं 13 कर लेते हैं। क्या 13 जो है हमारी रेडियस होगी, क्योंकि 26 जो है वो डाया है, हमने टाइप करके एंटर कर दिया, इस तरीके का बन गया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी साइड में फिगर है तो ये जो सर्कल है बड़े छोटे बने तो उससे दिक्कत मत लेना कि यार डायग्राम में तो बीच वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा है बाहर वाले के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर आप सर बना रहे तो थोड़ा छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ड्राफ्ट्स की जो ड्राइंग्स है वो मेरे लिए उतनी कैलकुलेशन से नहीं बनती है प्रॉपरली प्रिंट करते समय। बस वो क्या करते हैं कि मतलब डायमेंशन दे देते हैं, तो जब हम पीसी में बनाते हैं तो वो सही बनता है। ठीक है ना, हमने ये सिंपल से बना लिया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक लेनी पड़ेगी लाइन। अब वो लाइन कितने की है तो आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा लाइन कितने की है। तो आप फिगर के ऊपर साइड देख रहे हैं, समझना, आप फिगर के ऊपर साइड देख रहे हैं कि ये जो एक बीच वाली लाइन गई है, मेरा कर्सर आपको बता रहा होगा कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, और वहां पर 80 रेडियस दिया गया। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टैप करें और ऊपर की ओर, अभी ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं, हमने ऑर्थो मोड को यहाँ ऑन कर लिया और ऊपर की ओर 80 की लाइन बनाते हैं। 80 टाइप करके हमने एंटर किया और ESC प्रेस कर दिया, ये हमारी 80 की लाइन बन गई है। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक बार और लाइन लेंगे, और हम क्या करेंगे, अब देखिए आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इतनी लंबी लाइन बना दी आपने, ESC प्रेस की, एक बार और लाइन लिया आपने, फिर से आप इधर की और इतनी लाइन बना दी, ESC प्रेस की। अब देखिए आपको क्या करना होगा कि पैरामेट्रिक के अंदर जाना है, और पैरामेट्रिक के जाने के अंदर आप यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है एंगुलर, एंगुलर पे आपको टैप करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बेस लाइन को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके, और आपको देखिए इस साइड नहीं बनाना है, आपको यहाँ कर्सर ले आके यहाँ पर सिंपल से लेफ्ट क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल से
आपके फिगर में एंगल दिया हुआ है, नीचे साइड एंगल दिया हुआ है 30, क्योंकि देखिए फिगर में ऊपर नीचे चीजें दी गई, क्योंकि जो फिगर है ऊपर की और नीचे की डायमेंशन दोनों सेम है, आप समझना, ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें दोनों सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तरफ का बनाएंगे, या तो ऊपर का बना लेंगे या नीचे का बना के हम यहाँ पे मिरर करने वाले। मैंने 30 टाइप किया, अभी एंटर नहीं किया, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये वाली लाइन देखिए ऊपर की ओर चली गई। फिर मैं यहाँ पर एंगुलर को सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये बेस लाइन को लेता हूँ और इसको उसके बाद सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर की ओर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डायमेंशन के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिंपल से जो 90 दिख रहा है उसको मैं चेंज करके 30 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए दोनों हमारे बन के तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि बेसिक सी चीज है कि हमें हमारे डायग्राम के हिसाब से चलना है। तो अब फिर से हमने सर्कल लिया और यहाँ पर टैप किया, और टैप मतलब आप समझ लेना कि मैं हमेशा लेफ्ट क्लिक की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें 80, क्योंकि देखिए बीच वाला जो सर्कल है, बीच वाला जो सर्कल है वो जो 80 रेडियस दी गई है उसको हमें बनाना है। तो सिंपल से हमें 80 रेडियस का सर्कल 80 टाइप करके एंटर करेंगे तो ये वाली लाइन के बराबर में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन भी हमने 80 की बनाई थी। आपको सिंपल से आपको लेना है ऑफसेट कमांड, और ऑफसेट कमांड लेने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए ऑफसेट कमांड लिया हमने, सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमारी कमांड टूल बार में आना है, और कमांड टूल बार में मेरी स्क्रीन पे तो कमांड टूल बार आपको दिख नहीं रही होगी। क्यों नहीं दिख रही होगी? क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड में होती नहीं है रिकॉर्ड, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है जिसमें लिखा होगा ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपको सिंपल से यहाँ पे आना है और आपको सिंपल से क्या, देखिए सिंपल से आप यहाँ पे क्या करें कि टाइप कर दीजिए, कितना टाइप करना है हमें, क्या टाइप करना है, मेरा एरो आपको बता रहा है 16, हमें 16 टाइप करना है। क्यों करना है ये आपको पता चल जाए। 16 टाइप करके हमने एंटर किया, और एंटर करने के बाद मुझे कौन से ऑब्जेक्ट को करना है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है और एक अंदर बाहर की ओर बनाना है, यहाँ पर टैप कर दिया, और फिर उसको सिलेक्ट करना है और एक अंदर की ओर बनाना है, यहाँ पर हमने टैप कर दिया, ठीक है। ये चीज हुई। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो बहुत सारे सर्कल बन गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें यहाँ पर पहले यहाँ पे बाहर हमें टैप करके और एससी प्रेस कर दिए, फिर से ऑफसेट ले लीजिए, ऑफसेट लिया हमने, और फिर हम क्या करते कि यहाँ पर कमांड टूल बार में हम यहाँ पे डायमेंशन डालते, तो दूसरी डायमेंशन जो है वो 28 की आपको दिखा रहा होगा मेरा कर्सर, 28 टाइप करके आप जैसे ही एंटर करेंगे और फिर बीच वाली लाइन ध्यान रखना कौन से सर्कल पर टैप करना है, तो ये वाले सर्कल पर हमें टैप करना है और ऊपर की ओर आना है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, फिर हमें इसको सिलेक्ट करना है और नीचे की ओर आना है और लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पर बाहर क्लिक करके यानी लेफ्ट क्लिक करके और एंटर दबा देना है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे सर्कल हैं, आपकी लगभग ड्राइंग क्रिएट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहाँ पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेरे लिए मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोज में इतना टाइम देकर चीजें सीख रहे हैं तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली, ठीक है। देखना कैसे क्रिएट हुई, आप कंफ्यूज मत होना मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देखना आप कंफ्यूज मत होना, बार बार मैं कह रहा हूं। सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लेना है हमें ट्रिम कमांड, और ट्रिम कमांड लेने के बाद हमें क्या क्या ट्रिम करना है। सबसे पहली चीज मुझे ये ट्रिम करना है और ये ट्रिम करना है, ठीक है, ये सब ट्रिम करना है। किससे ट्रिम करना है मुझे, इस वाली लाइन से ट्रिम करना है और इस वाली लाइन से ट्रिम करना है, ठीक है। अब इतना हमने सिलेक्ट किया, आप एंटर प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड पे, और जैसे ही एंटर प्रेस करके आप अपने स्क्वायर को इसके ऊपर लाएंगे डिलीट होता दिखाई दे रहा, हो रहा है डिलीट, जी हाँ आप हो रहा है, यहाँ पे आप कर दीजिए लेफ्ट क्लिक, और ऐसे ही करके सभी को हम कर देते हैं डिलीट, जो जो हमें यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए सबको हमने कर दिया डिलीट। आप इसको भी यहाँ से भी नीचे से भी डिलीट कर दीजिए, यहाँ से भी डिलीट कर दीजिए, बस हमें उतना ही पोर्शन बचाना है, ठीक है। सब हमने कर दिया यहाँ पर डिलीट, ठीक है।
आप चाहे तो ये वाले पोर्शन नीचे के इसको डिलीट नहीं करते, बट हमें वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा डायग्राम को बनाना। इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये वाला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कभी कभी वो चीजें नहीं होती, तो सिंपल से आप यहाँ पर बाहर टैप करके और ESC प्रेस कर दीजिए। आप इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इतना बन गया हमारा, आप करोगे वाओ क्या बन चुका है हमारा। और यहाँ पर हमें टैप, हमने पहले सर्कल सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करके और जब यहाँ पर ओपन करेंगे सर्कल को, तो आपको सिंपल से ओपन करते हुए ले जाना है और ये वाले पॉइंट पे आपको टैप कर देना है, फिर ESC प्रेस करना है, फिर सर्कल लेना है और फिर हमें इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है और ये वाले पॉइंट पे आके टैप कर देना है, फिर हमें ESC प्रेस करना है, फिर सर्कल लेना है, फिर ESC प्रेस कर देना है, फिर सर्कल ले लेना है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है और ऊपर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, ESC प्रेस कर देना है। इतना बन गया। अब देखिए जो एंगल वगैरह हमें दिख रहा है इसको डिलीट कर देते हैं, डायग्राम को बनाने नहीं दे रहा। इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट किया और डिलीट की बटन दबा दी, डिलीट हो गया। हम अब यहाँ पर हमें देखिए हमें उसकी भी बेसिकली अभी जो बीच वाली लाइन है हमें उसकी उतनी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी अभी डिलीट कर देते हैं इसको। हमने इसको भी डिलीट कर दिया, हमें इसकी भी जरूरत नहीं, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे ट्रिम कमांड लेते हैं, और ट्रिम कमांड ली हमने, ट्रिम कमांड लेना हमें किसको किसको ट्रिम करना है, मुझे किसको करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है। आप समझे ट्रिम करने का तरीका, इससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना, और एंटर कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे देखिए ट्रिम हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर भी लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर बाहर एक बार टैप करके और ESC प्रेस। अब देखिए ये बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी हमने क्या किया कि डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें लेना होगा क्या, तो आपको सिंपल से यहाँ लेना फिलेट, और फिलेट लेने के बाद आपको इसको क्लिक करना है। देखिए ये बीच वाले को नहीं क्लिक करना, मैं आपको बता रहा हूँ, बीच वाले को क्लिक नहीं करना, इसको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपकी कमांड टूल बार में आपसे पूछ रहा फिलेट सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस, तो आपको सिंपल से रेडियस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिंपल से हमें यहाँ पर मेरा एरो आपको बता रहा है कि यहाँ पे 10 रेडियस दी गई, और 10 जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे और इसमें आप जैसे ही अपने कर्सर को लाएंगे देखिए बनता हुआ दिख रहा है, आपको यहाँ पे टैप कर देना है। ठीक उसी तरीके से अब हमें कमांड रिपीट करनी है, तो हम यहाँ पर स्पेस बार को दबा देते हैं और स्पेस बार को दबाएंगे और इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। अब इतना हमारा बन गया है, आपको इतना दिख रहा है हमारा बन गया। अब देखिए हमें करना क्या होगा, सिंपल सी चीज करना क्या, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड लेता हूँ, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, कर देते हैं ना इसको ट्रिम, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है, और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और जैसे इसको ऊपर लाएंगे ट्रिम हो जाएगा, देखिए ट्रिम हो गया। अब यहाँ पे एक बाहर टैप करके और ESC प्रेस कर दी, बन चुका इतना। अब हमें देखिए करना क्या है, सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे लेना है, कौन सी कमांड लेनी है देखिए मैं बताता हूँ। पहले तो आप सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जो जो हमें मिरर करना है, मुझे इसको इसको इस वाले को और इसको और किसको किसको इसको और इसको इस वाले पॉइंट को भी इसको मुझे क्या करना है, मिरर करना है। जैसे ही आपने सबको सिलेक्ट किया उसके बाद आपको जाना है मिरर, मिरर पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे आपकी कमांड टूल बार में पूछ रहा है कि मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, पढ़ेंगे नहीं भी ना आप अपने कमांड टूल बार को, आपका सर्कल के सेंटर पे आना है और यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे देखिए नीचे अपने आप ही आ गया बनके, टैप कर दिया आपने जैसे ही, और टैप करने का एक बार और आप लेफ्ट क्लिक कर दें और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल से एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए ये वाली लाइन को हम कर देते ट्रिम, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिम कमांड ली मैंने, को ये ट्रिम करना है और किससे करना है, इससे करना है और इससे करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे और इस पे लाएंगे तो अपने आप डिलीट होता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें लेफ्ट क्लिक कर दें और अब यहाँ पर बाहर एक बार टैप करके और ESC दबा दीजिए, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनकी ड्रॉइंग तो काफी अच्छी दिख रही है, तो आप सिंपल से हैचिंग का यूज करें, और जैसे मैं यहाँ पे हैचिंग में जाऊंगा और हैचिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं ये वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, किसको, ANSI31 को,
जैसे मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं इस तरीके का बन गया। हमें सिंपल से यहाँ एंटर प्रेस कर देना है और ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह बन के तैयार हो गया। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, यही अगर मैं चाहूँ ना तो इसको 3D में इतना अच्छा दिखा सकता हूँ आपको बना के, बट मैं यहाँ पे आपको ये क्यों नहीं बनाऊंगा अभी दिखा के, क्योंकि देखिए वो 3D पार्ट में जैसे ही आप थोड़ी आगे वीडियोस में आएंगे वहां पर आप ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ पे आप डायमेंशन दे सकते हैं, डायमेंशनिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। डायमेंशन ले लेते हैं, डायमेंशन में किसकी देनी है, इसकी देनी है। ये देखिए आप खुद ही बता रहा है रेडियस कितनी है, 45 बता रहा है कि नहीं बता रहा। 45 रेडियस मीन्स 90 का सर्कल। फिर हम डायमेंशन ले लेते हैं, सपोज मेरे को इसका बताना है डायमेंशन, मैंने क्लिक कर लिया और मैं इसकी डायमेंशन बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप अपने आप ही यहाँ पर अपने आप थोड़ा सा आप जैसे कर्सर को इधर उधर मूव करेंगे और जैसे ही ब्लू हुआ आपने लेफ्ट क्लिक किया, आप देखिए इधर की ओर, ये देखिए बता रहा है 16 रेडियस। तो इस तरीके से आप सारी डायमेंशन को दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने में मजा आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट ड्रॉइंग की बात करते हैं। इसको हम थोड़ा सा पेन, यहाँ पर मैंने पेन को लिया और पेन से मैं इसको डबल टैप करके थोड़ा सा साइड करता, क्योंकि देखिए मैं माउस का यूज उतना ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री वगैरह में हो सकता है कि सारी चीजों का यहाँ पर ना हो, कलेक्शन बार माउस ना ले जाए पाए कहीं पे, और हमारे पास माउस ना हो तो क्या हम अपने पीसी का यूज करके नहीं बना सकते क्या पीसी के माउस को? पीसी के माउस में खैर उतनी सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती, बट हम कर सकते हैं, वो हमें ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन पे सारी चीजें दी हुई होती। चलिए अभी जो नेक्स्ट ड्रॉइंग दिख रही है ये भी काफी टफ ड्रॉइंग है, सिंपल ड्रॉइंग है, हमारे बनाने के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि टफ है कि सिंपल है। तो देखिए हमें इस ड्रॉइंग को स्टार्ट कहाँ करना है, ठीक ना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आई होप आपको मेरी वीडियोस देखने में, क्योंकि मैं देखिए इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजों पे बात कर रहा हूँ कि यार अगर ये ड्राइंग बनाना आप सीख गए ना तो कह ही नहीं सकते, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए अब इस ड्राइंग को बनाने के लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस ड्राइंग को कहाँ से स्टार्ट करूँ, सीधे डायरेक्टली सर्कल लूँ और सेंटर से बनाना चालू कर दूँ, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे गलत क्यों है इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले आप ESC प्रेस कर दीजिए एक बार, देखिए तरीका बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप सेंटर से बनाना चालू करेंगे तो आप सेंटर का सर्कल तो बना लेंगे लेकिन नीचे की चीजें आप बना नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बना लेंगे बट वो थोड़ा सा क्या होगा कि टफ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल से एक लाइन लेनी है और नीचे आपको यहाँ पे सिंपल से यहाँ से स्टार्ट करना, कहीं से भी कर दीजिए, और इधर की ओर हमें 90 दिया हुआ है, मेरा कर्सर आपको बता रहा है कहाँ पे, 90 टाइप करके एंटर कर देना। जैसे ही आपने 90 की लाइन बना ली ESC प्रेस करें, और अब इसके बाद हम फिर से लाइन ले लेते हैं, और लाइन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारे इस वाले सर्कल की रेडियस है, जो यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है उसकी जो हमें डायमीटर दी गई, सॉरी रेडियस नहीं डायमीटर कितनी दी गई, 36 दी गई। तो 36 का आधा कितना होता है 18, तो यहाँ पर सिंपल से आपको लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की और हमें 18 यहाँ पर एक टाइप करके और एंटर कर देना और ESC प्रेस करना है। और अब हमें क्या करना है कि सर्कल लेना है, और सर्कल लेने के बाद मुझे यहाँ पर टैप करके एक 36 डायमीटर यानी कि 18 रेडियस का यहाँ पे सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। तो 18 टाइप करके मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। ESC प्रेस कर देता हूँ, फिर से सर्कल ले लेता हूँ, एक बीच में भी हमें सर्कल बनाना है, वो कितने का है यहाँ पर, वो इस साइड दिया हुआ है दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 18 डायमीटर दिया गया है, 18 डायमीटर का आधा कितना होता है 9 रेडियस, 9 टाइप करके एंटर कर लिया हमने, सिंपल से ये बना लिया। अब इसके बाद करना क्या है कि हम इधर भी नहीं बनाए, देखिए यहाँ पे मिरर कमांड को लेना है और मिरर कमांड लेने के बाद मुझे ये मिरर करना है, ये मिरर करना है, दोनों मिरर करके मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। और मिड पॉइंट पे क्लिक करने का जैसे मैं इधर की ओर आऊंगा, देखिए थोड़ा सा इधर उधर करके देख लीजिए अपने माउस को, अपने आप ही पोजिशन बता देगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद एंटर, तो ये देखिए हमारा बन गया, इधर भी बन चुका। यहाँ पर सिंपल से आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, अब उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इतना हमारा फिगर बन गया, काफी नीचे बन रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने फिर पेन लिया और यहाँ पे डबल टैप करके ऊपर की ओर कर लिया है ना। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद सिंपल से हमने लाइन ले लेना है, और लाइन लेने के बाद अब क्या करना होगा, देखिए बहुत ही छोटी सी चीज है, अगर ये नहीं बनी तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा डायग्राम, और बन गई तो बहुत ज्यादा इजी। तो हमें सिंपल से देखिए इस वाले पॉइंट से लेके ऊपर तक की एक हमें डिस्टेंस यहाँ पे 78 दी गई है, ठीक है ना। अब वो 78 डिस्टेंस दी गई है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं कि ऊपर की और यहाँ पर 78 एक बना लेते हैं। चलिए देखिए 78 टाइप करके हमने एंटर करा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ESC प्रेस करना है। इसके बाद हमें क्या करना होगा
कि सिंपल से सर्कल लेना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल से आपको सर्कल लेना है, और करना क्या होगा कि इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है, समझना आप, इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को ऐसे ट्रेस करते ऊपर जाना है, और ट्रेस करने के बाद इस वाली लाइन के पास आना है, और इस वाली लाइन के भी मिड पॉइंट पे हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से आना है, और टैप कहीं नहीं करना है। हमने सबसे पहले किसको ट्रेस किया, इस वाले पॉइंट को ट्रेस किया था, फिर उसके बाद हमने इस वाले पॉइंट के पास गए। अब जो को जो ट्रेस लाइन है, देखिए अपने आप यहाँ पे शो कर रही होगी ट्रेस लाइन, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे, देखिए हमें यहाँ पे सेंटर मिल चुका है। जरूरी नहीं कि हम सब जगह लाइन ही लाइन बनाए सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैप करके, और अब हम जो सर्कल बनाएंगे वो बिल्कुल सही बन रहा है। यहाँ पर हमें कितनी रेडियस का बनाना है, तो सिंपल सी चीज है कि जब मुझे इस वाले पॉइंट से, समझना आप, इस वाले पॉइंट से ऊपर तक की डायमेंशन कितनी दी गई, 78। तो वही जो 78 दी गई है वो सर्कल की जो है वो डायमीटर भी है और डिस्टेंस भी है। तो जो 78 है वो क्या है, डायमीटर। तो उसका आधा मतलब कि कितना होगा, 39। तो सिंपल से हम 39 टाइप करके एंटर कर देंगे, तो ये हमारा ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपल से सर्कल को लेना, और सर्कल को लेने के बाद इस सेंटर पे आना। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर हमें 22 डाया का एक हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो 22 डाया मीन्स 11 रेडियस, टाइप करके एंटर किया। फिर हमें लेना है सर्कल, और अब सर्कल लेने के बाद हमें क्या करना होगा कि एक सर्कल बनाना है यहाँ पर हमें। यहाँ पर सिंपल से आपको दिख रही है 58 डिस्टेंस। अब वो जो 58 डिस्टेंस है वो क्या है, एक डायमीटर भी है सर्कल की, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चाहे आप इस पॉइंट से लेके, चाहे मैं इसकी बात कर लूँ बड़े बात, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की चाहे डिस्टेंस कह दें या रेडियस कह दें, बात बराबर ही, सॉरी डायमीटर कह दें, बात बराबर ही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 58 का यहाँ पर हमें डायमीटर है, 58 का आधा कितना होता है, 29 टाइप करके एंटर कर देना। फिर हमें यहाँ पर सर्कल लेना, और सर्कल लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और क्या करना होगा कि 32 डायामीटर का, 32 डायामीटर मीन 16 रेडियस का एक और सर्कल बनाना है, 16 टाइप करके एंटर कर दे। अभी बहुत सारे सर्कल हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार सर इतने सारे सर्कल क्यों बनाए हम, तो इसका देखिए रीजन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सिंपल से अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और सर्कल लेना है, और सर्कल लेने के बाद इस वाले सर्कल पे आना है, इस वाले सर्कल पे आना है, और यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट पॉइंट पे हमें टैप करके और एक सर्कल बनाना है, जिसकी मेनली हमें यहाँ पर रेडियस कितनी दी गई है, 6 होल और 14 डाया लिखा हुआ है। तो 14 डाया मतलब कि कितना, 7 रेडियस, 7 टाइप करके एंटर करेंगे। जो हमने अभी ये सर्कल क्रिएट किया है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए अब हमें नीचे की ओर आना है। देखिए मैंने ये वाला सर्कल क्यों बनाया था उसका आपको रीजन भी पता चल जाएगा। सिंपल से देखिए मुझे यहाँ पे एक लाइन लेनी है, और लाइन क्या करनी है कि मुझे इस वाले पॉइंट, देखिए आपको सिंपल से क्या करना होगा कि आप ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक के लिए एक लाइन बनाइए, और आप ESC प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर लिया हमने। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑफसेट लेना पड़ेगा हमें, और ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमें डायग्राम में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि कितने की ऑफसेट लेनी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6, मेरा कर्सर आपको बता रहा है 6, तो वहां पर 6 की ऑफसेट नहीं लेनी है हमें, 3 की लेनी है, क्योंकि बीच वाली लाइन से दोनों तरफ बनाना है ना हमें, तो 3 की लेनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 3 टाइप करके एंटर करेंगे, और जब इसको आप टैप करके इधर की ओर आएंगे, 3 की बन रही, ठीक है, फिर टैप करके इधर की ओर आएंगे, 3 की बन रही, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम ESC प्रेस, और अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आपको सिंपल से डायग्राम दिख रहा है, बट यहाँ पर हो सकता है आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है सर्कल और लाइन के बीच में गैप है, आप समझना, सर्कल और लाइन के बीच में गैप है। अब वो जो गैप है वो हमारे प्रॉब्लम को खराब कर सकता है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ तरीका, ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता, ठीक है। हमें सिंपल से फिलेट कमांड को लेना है, और फिलेट को लेने के बाद, ठीक है ना, समझना आप, मुझे इस वाले कॉर्नर पे क्या करना होगा, टैप करना है, और आपको यहाँ पर फिलेट सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस, आपकी कमांड टूल बार में आपको सिंपल से रेडियस पे क्लिक करना है। रेडियस पे क्लिक करने के बाद आपको 1 टैप करना है, देखिए 1 1 1 डायमेंशन डाल के एंटर करना है, और नीचे वाले सर्कल पे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए बनती हुई दिखाई दे रही, बाहर की ओर मत बनाइएगा, अंदर की ओर बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप टैप कर दीजिए, बन गया, फिर आप स्पेस बार दबा दीजिए, कमांड रिपीट हो जाएगी, इसको सिलेक्ट करके अंदर की ओर ये बना लीजिए। देखिए अंदर की ओर ही बनाना, बाहर की ओर मत बनाना, ठीक है ना। अब देखिए इससे हमारा बन चुका है, अब देखिए करना क्या है, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम ट्रिम कमांड, ठीक है ना।
मुझे क्या ट्रिम करना है, मुझे ये सर्कल पूरा ट्रिम करना है, उसकी हमें उतनी नीड नहीं है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कि मुझे ये वाला आप देखिए, दोनों जो छोटे छोटे यहाँ पर आपने फिलेट लिए उसको भी सिलेक्ट करना है, उसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करिए कि देखिए ऊपर का भी यहाँ पर डिलीट करना है, तो चलिए ऊपर का भी सिलेक्ट कर एक ही साथ सब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, बीच वाले को हटा देते हैं, बीच वाले को हम सिंपल से वैसे ही डिलीट कर देंगे, तो बीच वाले को हटा लेते हैं, वो हट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। हमने ये सब सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे और क्या क्या सिलेक्ट करना है, मुझे ये भी सिलेक्ट करना है, मुझे ये भी ट्रिम करना है। अब ये सब सिलेक्ट करके आप जैसे एंटर करेंगे, अब देखिए आप अपने फिगर में, मुझे इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, और ये वाली पूरी लाइन ही ट्रिम करनी है, तो ये वाली पूरी लाइन ट्रिम कर सकते हैं आप, या फिर आधी हुई है तो आधी हम डिलीट कर देंगे, और नीचे वाला सर्कल मुझे डिलीट करना है पूरा। तो यहाँ पर देखना बहुत ही प्रिसीजन के साथ डिलीट करना है, ठीक है ना। और कुछ चीजें डिलीट नहीं होती, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा आप देख रहे हैं, इसको भी आपको डिलीट करना है, ये जो छोटे से कॉर्नर दिख रहे हैं बहुत छोटे, ध्यान से देखना, ये हमारे डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी डिलीट करना है हमें, इस वाले को भी डिलीट करना है, इसको भी कर दिया हमने, इसको भी कर दिया। यहाँ पे एस सी प्रेस करें, और ये बचा हुआ पोर्शन है, इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको सिलेक्ट किया हमने, और दोनों को डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे होता है, सिंपल से आप अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन को दबा दीजिए, ये हो गया, इतना हमारा बन चुका है। अब देखिए आपके ऊपर है, आप चाहे तो इस सर्कल को भी डिलीट कर, इसको भी मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है, इतना बन गया हमारा। आपको करना क्या होगा कि सिंपल से हमें यहाँ पर लेना है एरे, ठीक है ना, हमें यहाँ पर एरे के अंदर जाना है, और एरे के अंदर हमें पोलर एरे पे जाना है। पोलर एरे जैसे ही करेंगे, अब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे, देखिए बाहर हमने लेफ्ट क्लिक करे रहना है, पूरे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लेना है, और इसको लेने के बाद यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है, एंटर कर दिया आपने। अब आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट बताना है, मुझे इस सेंटर के थ्रू मिरर करना है, सॉरी एरे करना है। यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे, और जैसे ही टैप करेंगे ऑलरेडी तो आपके छह यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे बने हुए। आपको सिंपल से यहाँ पर एक बार टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको यहीं पर एक बार और टैप करना है, दो बार टैप कर दिया, ये आपका बन गया, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको फिगर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत हद तक हमारा फिगर जो है बन के तैयार हो गया, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये देखिए अब सही हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना आपका बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा होगा अभी तो आपको ये फिगर देख के, है ना। हमें यहाँ पे लेना है लाइन, और लाइन लेना है इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर, हमें कितनी डिस्टेंस दी गई, 57 आपको दिख रही है, जी हाँ, इस सेंटर से आप ऊपर की ओर आइए और 57 टाइप करके एंटर कर दीजिए, और ये जो बना है डायमेंशन, एस सी प्रेस करें, एक सर्कल लें, और इस सेंटर पॉइंट से एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लें। कितने का सर्कल बनाना है हमें, बाहर वाला हमें कितना दिया, 22 डाया दिया हुआ है, तो हमें 22 जो डाया दिया है उसको हमें 11 रेडियस कर लेना है, एंटर करना है, और फिर सर्कल लेना है, और सर्कल लेने के बाद हमें यहाँ पर टैप करना है, और यहाँ पर जो 12 डाया दिया है उसको हम 6 रेडियस में कन्वर्ट करके बना लेते हैं, ये बन गया। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है, अब इसके बाद आप इतना बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये बड़ा यहाँ पर सर्कल आप देख रहे हैं इस तरीके का है, ना उसके में डायमेंशन दिए, ना कुछ दिया गया है, तो हमें अब कैसे बनाए, देखिए इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा, हो सकता है कि आप ये चीज किसी को, बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो। तो देखिए हमें सिंपल से सर्कल के अंदर जाना है, और जैसे आप सर्कल देखिए, सर्कल के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, और नीचे जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सर्कल के अंदर वाले ऑप्शन में, 2 पॉइंट, आपको सिंपल से 2 पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप 2 पॉइंट क्लिक करने के बाद इस वाले सर्कल के ऊपर आएंगे टॉप में, ठीक है ना, टॉप में आने के बाद यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करने के बाद अपने माउस को इधर उधर करेंगे, इधर उधर देखिए सर्कल बन रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो सर्कल बन रहा है इसको बहुत इतना बड़ा करना है कि ये वाला सर्कल इस वाले पॉइंट पे आए, और इस वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आपको टैप कर देना है। फिर से आपको यही सर्कल लेना है 2 पॉइंट वाला, और यही काम फिर से करना है, ऊपर की ओर आना है, ऊपर वाले पॉइंट पे आना है, ठीक है ना, और ऊपर वाले पॉइंट पे आने का फिर एक सर्कल ऐसा बनाना है जो यहाँ टच कर रहा हो, ये भी बन गया, ठीक है। अब हमें कर देना है ESC प्रेस। अब यहाँ पर काम आता है ट्रिम का, देखना बहुत अच्छी तरीके से समझना, सिंपल से ट्रिम लेना है, और यहाँ पर भी आपको ट्रिम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो सर्कल अंदर वाले सर्कल को प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमें क्या करना है, देखिए मुझे किसको किसको ट्रिम करना है, ठीक है, मुझे ट्रिम किसको किसको करना है। और ट्रिम करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, आप ESC प्रेस कर दीजिए, अभी आप सबसे पहले ले लीजिए यहाँ पर क्या लेना है हमें, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फिलेट। आप फिलेट लेके, और आप सबसे पहले क्या करें कि मुझे इस वाले सर्कल से
इस वाले सर्कल से अब यहाँ पर आप रेडियस डाल दीजिए कितनी 20। यहाँ पर कमांड टूल बार में रेडियस में टैप किया हमने 20 टाइप करके एंटर किया और इस वाले को हम क्या करते हैं, इस वाले को हम टैप करते हैं। ये देखिए टैप किया, ये हमारी बन गई रेडियस। हमने स्पेस बार को दबाया, हमें क्या करना है कि इस वाले सर्कल से इस वाले के लिए भी वही करना है। हमने यहाँ पर भी दोनों में टैप कर दिया और हमने ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्या, ट्रिम। अब ट्रिम किसको करना है, मुझे इसको ट्रिम करना है और इसको दोनों को ट्रिम करना है। बड़े सर्कल को किससे करना है, इस वाले से करना है, इस वाले पॉइंट से करना है और इस वाले पॉइंट से करना है, ठीक है ना। चलिए अभी इतना करके देखते हैं, फिर आगे और करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी सी समझ में ना आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए मुझे डिलीट किसको किसको करना है, इसको डिलीट करना है, समझना आप किसको डिलीट करना है। ये कर दिया हमने इसको, ये कर दिया इसको डिलीट, ये कर दिया इसको डिलीट और ये कर दिया इसको डिलीट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे कर रहे हैं, सिंपल से बस इसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर ये सब हमने, ये हट नहीं रहा है, इसको मैं हटा, हम हटा देंगे। इसका तरीका मैंने आपको बताया कैसे हटाते हैं। अब ये जितना ट्रिम होना था हो गया, अब यहाँ पे ESC प्रेस कर देते हैं, इसको सिंपल से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड में डिलीट टाइप कर देते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया और ये वाली लाइन जो बनी इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी हमने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। देखिए इतना डायग्राम बन गया, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ओवरलैप कर रही है दोनों किसको, सर्कल को। तो सिंपल से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जूम कर लिया, अब यहाँ पर ले लेते हैं ट्रिम। मुझे किसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, किससे ट्रिम करना है, सर्कल से। एंटर किया और जैसे आप ये देखिए ये और ये, अब आप यहां पर कर दीजिए टैप और ESC। अब यहां पर आप इसको छोटा करके देखिए, छोटा कर लीजिए फिगर, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल जैसा आपका फिगर वहां दिख रहा है वैसा सेम टू सेम बनाया है मैंने। इसको मैं कर देता हूं फिर से डिलीट, आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब डायमेंशन का आप इसकी खुद करेंगे, फिगर मैंने आपको बहुत अच्छे से बनाना सिखा दिया है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो क्रिएट कर पाऊँ।